उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 72,91,00,000 रुपए की 26 परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। यूपी के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज बरेली सर्किट हाउस पहुंचे, जहां केशव प्रसाद मौर्य ने बरेली में आज 72,91,00,000 रुपए की लोक निर्माण विभाग निर्माण और सेतु निगम की 26 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं यूपी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने नवाबगंज से बीजेपी विधायक रहे केसर सिंह गंगवार की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया और बताया कि आज उनके निवास स्थान को जाने वाले 100 फीट चौड़े मार्ग को केसर सिंह गंगवार के नाम से स्मृति के तौर पर उनके नाम से जाना जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि बीजेपी का सरकार का प्रयास है कि गांव, शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के कार्यों को लोगों तक पहुंचाया जाए। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इसपा और बसपा फिर सपान में जो 15 साल में विकास कार्य नहीं किए हैं, वह हमारी सरकार ने इन 4 वर्षों में करके दिखाए हैं। बीजेपी सरकार की जो भी योजना रही है, उन सभी योजनाओं में सरकार ने सफलता हासिल की है। वहीं प्रेस को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है, बीजेपी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो 2017 की तरह 2022 में बीजेपी पार्टी यूपी के अंदर 300 सीटों पर एक बार फिर बीजेपी का कब्जा होगा और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर यूपी के अंदर अपना परचम लहराएगी। इस अवसर पर इस संवाद के लिए सभी लोगों को बधाई देता हूँ। हमारे वर्तमान के नवाबगंज के लोकप्रिय विधायक स्वर्गीय केसर सिंह गंगवार जी थे, उनका दुखद निधन रहा हो गया। उनके बीच में नहीं है, अपनी प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज से उनके निवास स्थान की ओर जाने वाला 100 फीट चौड़ा जो मार्ग है, उनकी स्मृतियां सदा अमर रहेगी। लेकिन निर्माण विभाग के माध्यम से हमने तय किया कि स्मृति में उनके नाम से मार्ग का नामकरण कर दिया जाए। आज से वहां केसर सिंह सरोवर मार्ग के नाम से जाना जाएगा। हमारी सरकार का प्रयास है कि हम विकास की जो योजनाएं गांव, गरीब, किसान तक पहुंचाए, नगर क्षेत्र के मुख्य मार्गों तक की नहीं, मोहल्ले मोहल्ले तक पहुंचाए। और आज जगह कहने में कोई संकोच नहीं है, सपा बसपा फिर सपा 15 साल की सरकार ने जितना काम विकास का नहीं किया है, उससे अधिक काम उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 4 साल में करके जनता को देने का काम किया है। और यह हम नहीं बोल रहे हैं, केंद्र सरकार की विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं, गरीब कल्याण की, किसान कल्याण की, विकास की, आत्मनिर्भर भारत योजना की, तमाम योजनाएं हैं जिसका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने के लिए सरकार ने सर्वाधिक सफलता प्राप्त की। अभी 2 दिनों से गांव के भूमि पर अभिमंडित बाढ़ जमीन उसका विस्तृत करने के लिए जमीन को लेकर के द्वारा पर मंदिर निर्माण करने के लिए कार्यशाला लिए गए, उन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई उस पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा। और कांग्रेस पार्टी जिसने भगवान श्री राम का जन्म भी हुआ है, जन्मभूमि है, या भी मानने को तैयार नहीं किया, उनको नकारने वाले किया है। और भैया दल नगर निगम की सीमा वाली क्षेत्र की राजनीति करते हैं, उन लोगों के द्वारा भी प्रचार करने का काम किया गया है, जो चाहे रामलला की जन्मभूमि और मंदिर का निर्माण न हो, बाधा डालने का एक अभियान चलाने की कोशिश किया, लेकिन उनकी सारी हवा निकल चुकी है।